वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असि जुड़े हैं जी टीकरी बॉर्डर जेड़ा स्टेज नंबर 2 बहादुरगढ़ विखे। तो अज साडी मुलाकात हुई है जोगिंदर सिंह उगराहां दे नाल, जो कि एक किसान आगू है साडे नाल इत्थे जुड़े ने। असीं इन्हां नाल गल करदे हां। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ते जेड़ा अज इत्थे महिला दिवस मना रहे ने, ते जिद्दां कि असीं वेखदे हां सिख कौम दे विच जो साडे माता सुंदरी जी सी उन्होंने अगे 40 साल जी कमान सामी सिख कौम की, तो अज जी है उन्होंने ही वारसा जी बीबिया साड़ी भैन ने इतने आईया ने इस अंदोलन की कमान सामभन उन्होंने कि योगदान है। देखो ये कोई धार्मिक कट्ठ तो है नहीं भी यह कोई धार्मिक समागम है ज कोई इतने कोई दमान लगे हुए हैं। जे किते की लड़ाई लड़न वास्ते लोग आए हैं, इस पंजाब के लोग भी ने, सिख धर्म के लोग भी ने, हिंदू धर्म के लोग भी ने, हरियाणे के लोग भी ने, तो सारे धर्म के लोग आए हुए हैं। महिला ने उन्हों का महिला दिवस आज उन्होंने कट्ठ है, इस करके अपने किते की राखी करने की खातर आए हैं। पंजाब की होंद को खतरा है, जो पंजाब की विरासत को खतरा है, जमीना जिदे उन्हों के बच्चों की रोटी है, जो जमीना खतरा कर दिया मोदी हुकूमत तो वह जवाब देने की खातर आए हैं। ये किते की लड़ाई लड़ रही। ठीक है जी। ते इत्थे जेड़ा महिला दा एने कट्ठ दे विच आना इस संघर्ष नू किस दिशा दशा वल मोड़ दिंदा है? देखो साडा इह मनना है, साडा सारियां कम्युनिटियां दे विच औरत नू बहुत उच्चा मनिया जांदा है। बाबे नानक दा कथन है कि सो क्यों मंदा आखिया जिस जमै राजान। बाबा नानक भी औरत नू बहुत बड़ी महान हैसियत समझदे सीगे, इस करके साडी जथेबंदी सोच है भी औरत दा बराबर जिन्ना चिर नहीं आउंदियां, जिमें माई भागो आई सी, जिमें माता गुजरी आई सी, जिमें गुलाब कौर बीबी गुलाब कौर आई सी, जिमें बहुत सारिया औरतों ने जिहड़ियां बदान दे विच डटियां ने, इतिहास दे विच डटियां ने, जिमें वो औरतां संकट दे वेले अपने मर्दां दे नाल बराबर मोढा ला के लड़ियां ने। असीं अज वो रवायत कायम करना चाहुंदे आ, रवायत नूं अगे तोरना चाहुंदे आ। वो असीं उपराला कीता उहदा सदका तुसीं देखदे सिट्टा भी अज वड्डी गिणती पंजाब चों 70-80 हज़ार औरतां ने जिहड़ियां वो महिला दिवस वास्ते दिल्ली मोर्चे ते आईयां ने, मोर्चे च डटियां ने आके ते सानूं उत्साहित कीता, मोर्चे नूं बल बख्शिया। तुसीं जिक्र कीता गुलाब कौर दा, ते क्योंकि तुसीं इस जगह दा नां वी गुलाब कौर नगर वसाया है, ते इस दा की कारण है? गुलाब कौर नूं गदरी गुलाब कौर भी बोला जाता है। गुलाब कौर नूं गदरी गुलाब कौर तां कहा जांदा है क्योंकि गदर लहर दे विच इक उहदा बहुत वड्डा रोल सीगा। गदर लहर दे विच जिहड़ी गदर लहर दा उठी क्यों सी, क्योंकि उहनूं भी जबर दा विरोध सीगा। वह भी पंजाब के जो बाहर पिंड के लोग से बसते दूजे देशों के, वो अपने देश में अंग्रेजा तो मुक्त कराने की खातर एक लहर उठी सी। बीबी गुलाब कौर का एक रोल है, इस करके असं वो रोल पछाणते हुए अज भी जानी मोदी हुकूमत जी अंग्रेजा वर्ग अत्याचार कर रही है वह जवाब देने की खातर असं साड़िया भैनों वो अपनी विरासत याद कराने की खातर, वो राह तोरन की खातर उपराला किया, औरत दिवस वाले मौके पर इकट्ठा किया। क्योंकि आज जेड़ा संघर्ष दिल्ली विच पहुंच चुके है, लेकिन इस तो पहले जब संघर्ष तुसी पंजाब विच लड़ रहे सी उत्थे औरतां दा किन्ना की योगदान सी? उत्थे भी औरतां दा बहुत योगदान सी, पंजाब दे विच बहुत योगदान सी। ए दिल्ली वाला मोर्चा लगन तो बाद ए पंजाब दा अंदोलन नहीं रहा, ए सारे हिंदुस्तान दा अंदोलन बन गया, सारे भारत दा अंदोलन बन गया, सारे भारत दीआं स्टेटां लड़ाई लड़ रहीआं ने, असीं मोर्चे दे विच बैठे हुए हां। इस करके पंजाब दे लोकां दे विच ए गुस्सा हो गया कि 3 महीने हो गए बैठा नूं अंदोलन कर दिया नहीं, सरकार गल नहीं सुन रही, उहदा जवाब देने की खातर औरत देश से गुस्से नाल आईआं ने, औरतां घरां नूं जिंदे ला के आईआं ने। इह उहदा छिट्टा है क्योंकि काले कानून इन्हां नूं पता भी साडे बच्चां दी रोटी खवाउणगे, इस करके काले कानून वापस कराउण की खातर इह संघर्ष दे मैदान च पहला दिन है। पंजाब च भी इह बहुत लड़दियां रहीआं। जिदा कि जो औरतां ने उन्हां नूं सिर्फ जिहड़ा रसोई तक सीमित रखा जांदा, लेकिन जिहड़ी ओह रसोई दी कड़छी हैगी है उत्थों दी लैके स्टेज दे उत्ते विचार दा जिहड़ा मतभेद है उस दी लड़ाई लड़न दा जिहड़ा इक औरत दा संघर्ष है, ओह इस अंदोलन दे संघर्ष नाल किस तरीके नाल मेल खांदा होया इस अंदोलन नूं ते अग्गे वधांदा ही है, लेकिन इक औरत नूं जिहड़ा उस दे हक दवाण दी लड़ाई भी लड़ रहा है इह अंदोलन। यह औरत दिवस का मनोरथ यह है कि औरत नूं दब के रखा जाता है, औरत नूं अधिकारां तों वांझे रखा जाता है, औरत तों कम वध लिया जाता है, तो कम की गिनती नहीं की जाती उहदी। इस करके औरत बराबर का हिस्सा है, समाज का बराबर का अंग है, औरत तों बगैर समाज किसी काम का नहीं, यह समाज की शान है। इन शान दे बराबर का जगह दवाने की खातर असी सारा यह इन्हों औरतों उत्साहित करने की खातर, समाज के बराबर के रुतबे दवाने की खातर इन्हों बराबर का स्थान दवाया। ये बोल भी रही ने, ये स्टेज संचालक भी ने, ये वलंटियर भी ने,
ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ठीक है जी ठीक है जिदा कि गल करके बड़ा साफ होया कि आज दी जेड़ी है स्टेज सांभण दी जेड़ी कमान हैगी ओ पूरे तरीके नाल औरतां दे हाथ दे विच स्टेज सांभण तो ले करके सुनन तक बुलारे तो ले करके इत्थे जेड़ा है हर तरीके दा जेड़ा काम है ओ अज औरत दे हाथ दे विच है बीबियां दे हाथ दे विच है और बड़े स्पष्ट संदेश नाल इंटरनेशनल वुमेन्स डे दे उत्ते इत्थे महिला दिवस मनांदे होए उन्होंने कहा है कि जेड़े औरत हैगी है अंदोलन तो अलावा भी अपने हकां लई जाणू होए लड़ना सीखे उसकी गलबात करदे होए जेड़ा जो जिन्हें भी आगू है उन्होंने इस चीज़ का जेड़ा है पूरा कर करके जेड़ा उन्होंने फैसला लिता कि वो इसनू मनाण और औरतों नू भी अगे लिया के पहले भी अगे से लेकिन वो होर उत्साह नाल अगे आन और इस अंदोलन नू अगे ले जाण दे विच उन्हां दा एक बहुत वड्डा रोल है उसनू निभाण ते इस जेड़ा महिला दिवस का जेड़ा इत्थे आयोजन किया गया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।